वीडियो बनाया था ग्रेस मास्क के लिए। तो इसमें देखो आज मैं बताने वाला हूँ कि 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है एक ग्रेस मास्क कितना मिलता है। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनका जो है मैथ्स का पेपर जो है ख़राब गया। तो अभी हम जानेंगे कि जो आप लोगों को कितना ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो स्टूडेंट देख लो, जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट है महाराष्ट्र बोर्ड के, तो उनको जो है 15 मार्क्स तक ग्रेस मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो आपको एक सब्जेक्ट में 10 मार्क्स तक दिया जा सकता है। मतलब है कि आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के जो है 25 मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो क्या क्या है, 25 मार्क्स से कम रहा तो आपको जो है ग्रेस मार्क्स नहीं मिल पाएगा। समझ लो कि आपको मैथ्स में जो है 26 मार्क्स मिले तो 9 मार्क्स आपको ग्रेस दे के पास कर दिया जाएगा, और जो है 15 मार्क्स तक ग्रेस मिलता है। समझ लो मैथ्स में आपको 9 मार्क्स दे दिया, आप पास हो गए, और जो है आपका जो है केमिस्ट्री का पेपर हुआ, केमिस्ट्री में भी आप जो है 31 आया, तो उसमें जो है आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, तो कितने हो गए आप लोगों के 35। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को टोटल मिला के 15 मार्क्स तक ग्रेस मिलते हैं, और एक सब्जेक्ट में जो है आप लोगों का 25 से ऊपर होना चाहिए। अगर 25 से नीचे है तो आप लोगों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो याद रखना इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 25 हो रहा है कि नहीं। अभी समझ लो जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी का बात करता हूँ, तो इसमें तो जो है अपने जो है कॉलेज से ही जो है आप लोगों को 30 मिल जाता है। तो इसमें समझ लो आप लोगों को 30 मार्क्स मिल गया इंटरनल का, और आपने जो है सिर्फ 3 मार्क्स का लिख के आए 70 में से, तो आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो लेकिन यह है कि तीनों तीन सब्जेक्ट का ही मिलेगा, और 15 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलता है।